नमस्कार, आप देख रहे हैं सिवान एक्सप्रेस न्यूज। बिहार सरकार ने कोरोना महामारी से संबंधित शादी समारोह जो अभी चल रहे हैं इसके लिए गाइडलाइंस जारी किया है। उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बिहार सरकार ने जो पॉइंट्स है जो गाइडलाइंस जारी किया गया उसके बारे में हम अभी आपको बता रहे हैं। शादी समारोह के लिए सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए यह कह दिया 25 नवंबर से 31 नवंबर जो कंटेनमेंट जोन है जहां कोरोना का मरीज अभी पाए जा रहा है या जहां कोरोना का मरीज पाए गए हैं इस इलाके में अभी जो लॉकडाउन है उनको विस्तारित करके 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही जो कंटेनमेंट जोन से बाहर जो भी शादी समारोह है उसके लिए सरकार ने निर्धारित लोगों की सूची सिर्फ 100 लोग ही शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे। यह बहुत बड़ी खबर है, आप जान लीजिए कि शादी समारोह में सिर्फ 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे, क्योंकि सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी शादी समारोह उसमें सिर्फ 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। वो भी 100 लोग उसमें आपको बराती सराती और इसके सिवा जो भी स्टाफ चाहे वो खाना बनाने वाले स्टाफ हो आपके या वेटर्स ग्रुप है या जो भी हो बैंड बाजा वाले हो जो भी हो सबको मिलाकर सिर्फ 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं। ऐसा बिहार सरकार के गृह सचिव अमित सुभानी और स्वास्थ्य सचिव जो अमृत प्रत्यय है इनके द्वारा जो कल प्रेस ब्रीफिंग की गई थी रात को उसमें स्पष्ट रूप से जो गाइडलाइन जारी किया इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सिर्फ 100 लोग ही शामिल होंगे। उन 100 लोगों में टोटल 100 लोग होंगे, 100 लोग मतलब बराती पार्टी सराती पर लड़के वाले या लड़की वाले प्लस जो भी स्टाफ मेंबर्स होंगे चाहे वो खाना बनाने वाले हो वेटर्स ग्रुप हो बैंड बाजा वाले हो सारे के सारे सिर्फ मिलाकर सिर्फ 100 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। साथ ही जो भी लोग शादी समारोह में शामिल होंगे सबके चेहरे पर फेस कवर यानी मास्क लगा हुआ चाहे वो दुल्हा दुल्हनी क्यों ना हो। तो यह एक बहुत बड़ी खबर है कि दुल्हा दुल्हन के मास्क में उनको शादी करनी पड़ेगी या तो जितने भी लोग शादी समारोह में शामिल होंगे सबके चेहरे पर फेस कवर या मास्क लगा होगा। यार जहां भी खाने पीने का आयोजन होगा बर्तन धोने का होगा वहां हर जगह चाहे वो नल हो जो भी हो हर जगह सैनिटाइज की व्यवस्था करनी होगी हर जगह। इसके साथ जो भी लोग शादी समारोह में शामिल होंगे उनकी थर्मल स्क्रीनिंग यानी कि उनका टेम्परेचर मापा जाएगा, समझ रहे आप लोग। बिल्कुल जितने भी लोग शामिल होंगे सबका थर्मल स्क्रीनिंग होगा और हर जगह जो शादी समारोह पर जो भी सब लोग यूज करेंगे जिस जगह प्रयोग में लाएंगे चाहे हाथ धोने वाली जगह हो चाहे बर्तन धोने की जगह हो उनको सबको सैनिटाइज करना अति आवश्यक होगा, जान लीजिए आप लोग। जो भी वैवाहिक कार्यक्रम स्थल में होगा वो जो भी वहां पर स्पर्श में आने वाली चीजें होंगी चाहे वो दरवाजे का हैंडल हो माइक हो कुर्सी हो टेबल हो नल हो रेलिंग हो जो भी चीज हो सबको सैनिटाइज करना होगा। जो भी शादी समारोह जिनके घर में हो रही है उनको इन सारी चीजों को सैनिटाइज करवाना होगा बिहार सरकार के नए गाइडलाइन के अनुसार। आप यह जान लीजिए गाइडलाइन बहुत ही अति आवश्यक है तथा सबको बताइए आप लोग। जो भी कोविड-19 बीमारी के लक्षण जिस भी व्यक्ति में दिखाई देगा उनको शादी समारोह में शामिल न करने की सलाह दी गई है, उनको अनुमति नहीं दी जाए। ऐसा जिनके घर जो भी लोग कार्यक्रम का आयोजन करा रहे हैं वो लोग ऐसे व्यक्तियों को शादी समारोह में शामिल ना करें। वैवाहिक कार्यक्रम के लिए जो भी आयोजन स्थल होगा चाहे वो विवाह भवन हो तथा जो भी कुछ हो होटल हो जो भी हो सब जगह जितने भी वहां के लोग होंगे सबको फेस कवर और मास्क लगाना अति आवश्यक है अनिवार्य है। जिला प्रशासन को भी इस मामले में एक गाइडलाइन जारी की गई है जिसके द्वारा यह जो भी विवाह भवन हो होटल्स हो इसके लिए दिशा निर्देश और अनुपालन जिला प्रशासन अपने स्तर पर जारी करेगा। ऐसा जो गृह विभाग है उनके द्वारा ऐसा गाइडलाइन जारी करने के बाद कहा गया है। और एक जो महत्वपूर्ण बात यह कही है कि अब शादी समारोह में बैंड बाजा और बारात नहीं बज सकेंगे। कहाँ नहीं बज सकेंगे, जो बारात दरवाजे पे बारात ले जाते समय जो रैली के मतलब रैली करते हुए जो बैंड बाजा बारात रास्ते से जाते हैं वो नहीं बजेंगे। अब बिहार सरकार के नए गाइडलाइन के मुताबिक अब ये बंद कर दिया गया है बिल्कुल, अब शादी समारोह बारात बिना बैंड बजे बारात के जाएंगे। हाँ जहां पे बारात मतलब दरवाजे पे वहां बैंड बजा बारात बजाया जा सकता है लेकिन रास्ते में अब नहीं बजाया जाएगा बैंड और बजा। या सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया इसमें बहुत ही स्पष्ट आदेश में कहा गया है कि रास्ते में बैंड बजा बारात का नहीं बजाया जाएगा, बिल्कुल सख्ती से पालन करवाया जाएगा। इसके साथ ही शादी
समारोह के सिवाय सरकार ने जो दूसरी गाइडलाइन जारी किया है श्राद्ध संस्कार के लिए, जो श्राद्ध कर्म होंगे उसमें सिर्फ कुल 25 लोग शामिल होंगे। जी हाँ, शादी समारोह के लिए 100 लोग और श्राद्ध संस्कार के लिए सिर्फ 25 लोगों का शामिल होने की बिहार सरकार द्वारा अनुमति दी गई है। इससे ज्यादा लोगों को श्राद्ध संस्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है। इस 25 में सारे लोग होंगे, चाहे घर के लोग हों, रिश्तेदार हो या फिर जो भी स्टाफ हो, चाहे खाना बनाने वाले हों या जो भी हो, सिर्फ 25 लोगों की अनुमति दी गई है। इनमें भी सबके चेहरे पर मास्क और फेस कवर लगाना और सैनिटाइजेशन करना आवश्यक है। इसके बाद जो अभी कार्तिक पूर्णिमा का स्नान आने वाला है, इसमें भी सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसमें जो भी कार्तिक पूर्णिमा स्नान के संबंध में नागरिक इकाई जैसे वार्ड परिषद त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि अन्य गणमान्य व्यक्तियों से जो भी होंगे, जो पंचायत के जनप्रतिनिधि होंगे, उनको कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने जो भी गाइडलाइंस जारी किया है उनको पालन करवाना उनको आवश्यक होगा। स्नान के लिए जो कार्तिक पूर्णिमा स्नान है इसके लिए जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी जो बसें हैं, बस वगैरह हो गई, इनका परिचालन बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कार्तिक पूर्णिमा स्नान करने वाले जिसमें मतलब भीड़ भाड़ करके लोग जाए इसको बंद कर दिया गया है, ऐसा करके लोग नहीं जा सकेंगे। और 60 वर्ष से अधिक के जो भी लोग हैं उनको भी स्नान करने से बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया गया, वो लोग भी स्नान करने नहीं जा सकते हैं। साथ ही 10 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको भी ऐसे कार्तिक पूर्णिमा स्नान करने में स्नान करने के लिए जाने से मनाही की गई है। तथा जिन व्यक्तियों को बुखार या खांसी सर्दी जुकाम या इस तरीके का जो कुछ भी लक्षण है इनको भी बिल्कुल मनाही है ऐसे जगह पर जाने के लिए। इसके सिवा जो भी 10% से अधिक जिन जिलों में आ रहे हैं 10% से अधिक जो पॉजिटिविटी मामले हैं उन इलाकों में, जैसे उसमें से कुछ इलाके जैसे बेगूसराय, जमुई, वैशाली, पश्चिम चंपारण तथा अपना सारण जिला, इन ये भी जिले हैं, इनमें 10% से अधिक मामले बिहार में आते हैं और पटना भी शामिल है इसमें। इन इलाकों में देखते हुए इनमें से सभी जिलों में जो भी सरकारी कार्यालय है या जो भी प्राइवेट कार्यालय है इन सभी में सिर्फ 50% स्टाफ की मौजूदगी सुनिश्चित करने की गई है। मतलब जो भी स्टाफ हो, जितने भी कार्यरत स्टाफ होंगे उनमें सिर्फ 50% लोग ही ऑफिस जा सकेंगे तथा अपना काम कर सकेंगे, बाकी को वर्क फ्रॉम होम ही करना होगा, मतलब घर से काम करने की सलाह दी गई, इससे ज्यादा लोग नहीं जा सकते हैं। और बसें जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स है इन इलाकों में सिर्फ 50% बढ़ी जाएंगी, मतलब अगर 2 की सीटें हैं तो 1 सीट पे बैठना और 1 सीट खाली रहेगी। मतलब अगर बस में बैठने की क्षमता 40 हो तो सिर्फ 20 लोग ही उसमें यात्रा कर सकेंगे। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस थी जो बिहार सरकार द्वारा कोरोना के संक्रमण को जो मामले बढ़ रहे हैं दूसरे राज्यों में उसको देखते हुए जारी किया गया है। शादी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आप लोग जान लीजिए, शादी समारोह में सिर्फ 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे जिसमें लड़के वाले हों, लड़की वाले हों या फिर खाना बनाने वाले जो भी वेटर्स ग्रुप है, टोटल मिलाकर सिर्फ 100 लोग होंगे। सबके चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा तथा वह जगह जिसको सब लोग यूज करेंगे उसे सैनिटाइज करना अति आवश्यक होगा। दूसरी बात, श्राद्ध संस्कार के लिए सिर्फ 25 लोग शामिल होंगे, उसमें 25 में सारे लोग रिश्तेदार हो, जो भी हो या स्टाफ हो, 25 में वो सारे लोग शामिल है। कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए भी गाइडलाइंस जारी किया गया है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको यूज नहीं किया जाएगा, प्लस 60 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी कार्तिक पूर्णिमा स्नान में नहीं जाएंगे। ये थी कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइन जो बिहार सरकार ने जारी किया था। इसके बस इतना ही, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, हमसे जुड़िए, हमें सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए।